इस धरती पर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, जिनसे हमें शिकायतें होती हैं, जिनका नेचर हमारे जैसा नहीं होता, जो कभी अपने स्वभाव से, कभी अपनी हरकतों से हमें परेशान करते हैं। अब इन सारे लोगों में से ही बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके आत्मिक ग्रुप के मेंबर होंगे। यहाँ वो आपको परेशान कर रहे हैं, उनका रोल ही ऐसा है, वो आपके पड़ोसी हैं या आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, आपको परेशान करते हैं, लेकिन वो सोल वर्ल्ड में आपके ही आत्मिक ग्रुप के मेंबर हैं। अब इस धरती पर क्या होता है, लोगों की शक्लो सूरतें अलग हैं, व्यवहार अलग है, नेचर अलग है, बात करने का तरीका अलग है, उठना बैठना अलग है, बोल चाल अलग है, और ये अलग होना उनकी पहचान है कि वो व्यक्ति ऐसा है। इसी तरह से सोल वर्ल्ड में ऊर्जा, आत्मा की ऊर्जा, उसका रंग अलग है, उसका कंपन अलग है, उसकी गति अलग है, उसकी चमक अलग है, और ये उसकी पहचान है। जैसे पृथ्वी पर बहुत सारे लोग अलग होते हुए भी हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, हमें वो अलग हैं, हमसे बिल्कुल अलग हैं, लेकिन फिर भी उनका रोल हमारी लाइफ में पॉजिटिव या कई बार पॉजिटिव के विपरीत होता है। इसी तरीके से सोल वर्ल्ड में जो हमारे आत्मिक ग्रुप में मेंबर्स हैं, वो हमसे अलग हो सकते हैं। हो सकते हैं कि उनकी आत्मा का रंग, ऊर्जा का स्तर, उनका ऊर्जा का कंपन, उनकी गति हमारे आत्मिक ग्रुप में है, लेकिन हमसे अलग है। लेकिन ये आत्माएं भी हमारे लिए फायदेमंद हो सकती हैं, लेकिन कैसे रोल प्ले करेंगी ये हमारी लाइफ में, ये इस तरह के रोल प्ले करेंगी हमारी लाइफ में जहाँ हमारी कमजोरियों से हमें रूबरू कराएंगी, और हमारे अंदर जिसे हम हमें लोगों से शिकायत होती है कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में गलत कर रहा है, लेकिन वो गलत करके आपको स्ट्रोंग बना रहा होगा। अब उदाहरण के तौर पर एक केस है एक महिला का, जिसमें उसके वर्तमान जीवन में उसकी जो ननद का रोल है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। उसे अपनी ननद से ढेर सारी शिकायतें रहती हैं कि वो ऐसे बोलती है, वो ऐसे करती है, उसे ये मेरे साथ ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए। एक जैसे होता है कई ननद और भाभी के बीच में इस तरह का रिश्ता होता है। अब मैं इसी महिला का केस शेयर करने जा रही हूँ जो इस महिला ने जानकारी दी। इस महिला का नाम है लेस्ली, और लेस्ली की ननद का नाम है रोवीना। अगर ज़िंदगी की बात की जाए तो रोवीना हकीकत में उसके रास्ते का कांटा है। जो लेस्ली है वो ऐसी है जो शांतिपूर्ण लोगों के साथ घिरे रहना चाहती है, शांत लोग, एक सुरक्षात्मक वातावरण में वो रहना चाहती है, और रोवीना उसकी लाइफ में उल्टा ही रोल प्ले करती है। वो शांतिपूर्ण लोगों से घिरे रहना चाहती है, रोवीना ऐसी नहीं है। वो सुरक्षा शांति चाहती है, लेकिन रोवीना उसकी लाइफ में असुरक्षा पैदा करती है, अशांति पैदा करती है। अब उसने कहा कि रोवीना को मेरा मुकाबला करने में और मेरी जो भी मतलब जो उसके जीवन जीने का तरीका है उसको चुनौती देने में उसे मज़ा आता है। सीधे सरल शब्दों में कहें, जैसे किसी में मीन मेख निकालना, किसी को टोका टिप्पणी करना, इस तरह की चीज़ों में उसे मज़ा आता है, वो अपने भाभी के साथ ऐसा करती है। अब डॉक्टर न्यूटन ने जब लेल्सी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तो लेल्सी ने अपने आत्मिक ग्रुप में रोबीना को देखा। अब जैसे मैंने बताया था ना कि हर इंसान अलग है, चलना फिरना, उठना बैठना, बोल चाल सब में अलग है, बस इसी तरह से रोबीना भी अलग है। अब हम आत्मा रूप की बात कर रहे हैं, तो लेल्सी ने जब आत्मिक ग्रुप में रोवीना को देखा तो उसने किस तरीके से रोवीना की जो ऊर्जा है, उसका रंग है, उसकी आकृति है, उसके कंपन है, उसकी गति है, उसे कैसे एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि रोवीना की ऊर्जा संतरी रंग की है, वो सामान्य है, मतलब साधारण चमक है उसकी ऊर्जा की, लेकिन वो ऐसे है जैसे चिंगारी। अब आप देखिए कि किस तरीके का व्यक्तित्व है रोवीना का, कि उसने उसे चिंगारी का नाम दिया है। अब डॉक्टर न्यूटन का अगला सवाल था, जैसा कि इस जीवन में लेल्सी और रोवीना की बनती नहीं है आपस में, तो क्या आत्मिक ग्रुप में भी लेल्सी और रोवीना का रिश्ता ऐसा ही है, रोवीना उसकी विरोधी की तरह है क्या उस ग्रुप में भी। अब यहाँ पर बात को समझिए कि
एक तरफ लेल्सी जब अपने आप को एक मनुष्य के रूप में देखती है, रोवीना को अपनी ननद के रूप में देखती है, तो उसमें कमियां नज़र आती हैं। लेकिन जब वो आत्मिक रूप में उसको देख रही है, तो वो ये बात को समझ रही है कि उसमें जो कमियां हैं, वो कमियां उसकी कमियों को बाहर निकालने का, मतलब लेल्सी की कमियों को बाहर निकालने का, उन्हें उनमें सुधार करने का, उसकी आत्मा के स्तर को ऊँचा बढ़ाने की निमित्त बन रही हैं। तो यहाँ पर उसका नज़रिया क्या है? देखिए, आत्मा रूप में नज़रिए कैसे चेंज हो जाते हैं। जैसे कई बार हम लोग के, आप लोगों के सवाल आते हैं मेरे पास कि हमारे स्वर्गीय प्रियजन की ये इच्छा थी, वो ऐसे चाहते थे, वो ऐसे नहीं हुआ, उन्होंने ये नहीं किया, या उनके ये ऐसे नहीं हुआ। तो आप खुद सोचिए फ़र्क कितना आ जाता है ना, आत्मा रूप में और मनुष्य रूप में कितना बड़ा फ़र्क है। इस शरीर के जाल से बाहर निकलते ही आपके वो विचार नहीं हैं, वो धारणाएं नहीं हैं, वो मान्यताएं नहीं हैं, वो सोच नहीं है, वो नज़रिया नहीं है, वो रिश्ते नहीं हैं। ठीक इसी तरह से रोवीना, जो कि लेल्सी की लाइफ में अच्छा रोल नहीं प्ले कर रही, लेकिन अब लेल्सी उसके बारे में क्या कह रही है? वो कह रही है कि वो हमारे समूह के लिए, मतलब हमारे आत्मिक ग्रुप के लिए अच्छी है, मैं ये महसूस कर सकती हूँ। और माध्यम यानी लेल्सी की खुद की ऊर्जा गुलाबी है और सफ़ेद है, लेल्सी की ऊर्जा का रंग उससे अलग है, संतरी है, माफ़ कीजिए, रोवीना की ऊर्जा का रंग अलग है, वो संतरी है। जो लेल्सी की ऊर्जा है, आत्मिक ऊर्जा, उसकी आत्मा वो ऐसी है जैसे बारिश की शांत बूंदें, ऐसे उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक मध्यम सी बारिश की आवाज़ होती है ना, प्यारी सी कानों को सुहाने वाली, कुछ ऐसी शांत सी उसकी उसकी उसका स्पंदन है। दूसरी तरफ जो रोवीना है, जो उसकी आत्मा की ऊर्जा है, वो बहुत तेज है, स्पष्ट है, चमकदार है। यानी दोनों की जो उन्होंने जीवन वाले खेल खेले हैं ना, उसमें जो उन्होंने स्वभाव अपनाया है, वो दोनों विपरीत हैं। अब लेल्सी ने एग्जैक्टली जो रोवीना के बारे में कहा, जब डॉक्टर न्यूटन का उससे सवाल था कि तुम्हारे और तुम्हारे समूह के लिए इसका क्या अर्थ है, मतलब रोवीना का क्या अर्थ है, तो जवाब आया, हम चिंगारी के प्रति बिल्कुल भी विनयशील नहीं हो सकते, वो बहुत ज़्यादा अधीर है, हमेशा भंवर की तरह उसमें गति चलती रहती है, जैसे भंवर होता है ना, भंवर गोल 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 घूमता रहता है, वो बहुत ज़्यादा गतिशील है, वो हमेशा टोका टाकी करने वाली है, वो हमारे प्रदर्शन को, मतलब हम जो भी करते हैं, जो भी रोल प्ले करते हैं ना वो लाइफ में, उसको हमेशा चुनौती देती है, उसमें हमेशा टीका टिप्पणी करती है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना टीका टिप्पणी करते हैं, आपके मीन मेक निकालते रहते हैं आपके अच्छे भले काम में भी, वो कुछ ऐसी है, उसे हमारी जिंदगियों में दखल देने में मज़ा आता है, जिससे हमारी विनम्रता भंग होती है। ये उसका जवाब था लेल्सी का, उसको हमारी जिंदगियों में दखल देने में मज़ा आता है, यानी कि वो अपने आत्मिक ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं ना, तभी तो हमारी लफ्ज़ का यूज़ किया गया, वो सबकी लाइफ में शायद ऐसा ही कुछ उत्तेजक सा रोल प्ले करती है। अब डॉक्टर न्यूटन ने भी थोड़ा कुछ अलग सा सवाल कर दिया, उन्होंने कहा, तो क्या रोवीना आत्मालोक में थोड़ी कम परेशान करती है तुम्हें? अब भैया, लेल्सी का जीना धरती पर तो रोवीना ने हराम किया हुआ है, लेकिन सोल वर्ल्ड में भी वो ऐसी ही है, तेज़ है, लेकिन थोड़ा कम परेशान करती है क्या? अब ध्यान दीजिए इस बात पे कि दोनों, लेल्सी और रोवीना, दोनों अपोजिट हैं ना एक दूसरे के, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन दोनों ही एक बेहतरीन रोल प्ले कर रही हैं एक दूसरे की लाइफ में। कैसे? क्योंकि जैसे कि रोवीना है, रोवीना क्या है, बहुत ज़्यादा उत्तेजक, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को बढ़ा देने वाली। दूसरी तरफ लेल्सी है, बहुत ज़्यादा शांत, दोनों ही एक दूसरे की लाइफ में हैं, छुटकारा भी नहीं है एक दूसरे से। लेकिन जब आत्मा रूप में लेल्सी को रोवीना, रोवीना को लेल्सी देख रही है, तो वो क्या कह रही है कि अब शिकायतें नहीं हैं, ज़िंदगी में तो शिकायतों की भरमार होगी, लेल्सी की रोवीना से ढेरों शिकायतें होंगी, लेकिन अब शिकायतें उसकी नहीं हैं आत्मा रूप में उसको देखने के बाद। अब वो क्या कह रही है कि अब मैं जानती हूँ कि वो जो भी है वो प्रेम से उत्पन्न होते हैं, मतलब वो जो कुछ भी कर रही है उसका जो उद्देश्य है, अंतिम उद्देश्य मेरी बेहतरी का है, मेरी ग्रोथ का है, मेरे प्रति प्रेम है उसका।
अब जब उसने ये लाइन बोली ना कि मेरे प्रति प्रेम है, उसका यहीं से समझ जाइए कि कितना बड़ा फर्क आ जाता है इंसान की सोच में, तब जब वो शरीर में है और तब जब वो शरीर में नहीं है, जब वो आत्मा रूप में है, कितना बड़ा फर्क है। लेकिन हम क्यों परेशान रहते हैं? हम इसलिए परेशान हैं, हम इसलिए दुखी हैं क्योंकि हम अपने जो जाने वाला व्यक्ति है उसको तो उसके जो जब वो जीवित था, जब जैसा वो इंसान था वैसे ही सोच रहे हैं कि अभी भी वो है, वैसे ही है, वैसे ही उसमें शिकायतें, वैसे ही उसका नेचर, पर लेकिन अब वो वैसा नहीं है। आगे लेलसी कहती है कि वो हमसे सर्वोत्तम की आशा रखती है और मैं भी उसकी गति धीमी करने में सहायक हूँ, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है बिना देखे आग में कूद पड़ने की। अब आप देखिए, ये है रोवीना और लेलसी, कितना बड़ा फर्क है। एक की प्रवृत्ति है बस कूद पड़ो, आग लगा दो, दूसरे की है बिल्कुल शांत सौम्य, छोड़ दो, जाने दो, इग्नोर करो। अब ऊपरी तौर पे इंसान की तरह देखेंगे ना तो कहेंगे कि क्या दो अपोजिट लोग एक दूसरे से मिल गए हैं, जीवन में कलेश खुल गया है। लेकिन आत्मा की नज़रिए से दोनों एक दूसरे को ग्रो करने में मदद कर रहे हैं एक दूसरे की, क्योंकि एक संतुलन की ज़रूरत होती है ना। एक्सट्रीम तो कहीं पर भी कुछ भी बुरा है, वो संतुलन पैदा कर रही है रोवीना और लेलसी एक दूसरे की लाइफ में। अब डॉक्टर न्यूटन का सवाल था कि क्या तुम्हारे आत्मिक ग्रुप में कोई और भी ऐसा है जिसकी ऊर्जा रोवीना की ऊर्जा से मेल खाती है? तो इस पर लेलसी का जवाब था, हाँ, वो मेरी सबसे अच्छी सहेली मेगन का पति रोजर है। अब रोजर का क्या रिश्ता बनता है लेलसी से जाकर, क्या वो रोल प्ले कर रहा है लाइफ में, इसका जिक्र हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म प्रेम, सौंदर्य और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में